तो दोस्तों आज मैं लेके आ गया हूँ आपको बिरगांव का गणेश झांकी। और यहाँ पर देख सकते हो डीजे और धुमाल प्रतिबंध होने के बाद कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है। यहाँ पर झांकी देख सकते हो क्या बहुत सुंदर, यहाँ पर लाइट का जो है देख सकते हो, यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिल रहा है इस गणेश झांकी में। यह है दोस्तों आपका ये हरतक गणेश परिवार की तरफ से, यहाँ पर बहुत सुंदर यहाँ पर देख सकते हो झांकी निकाला गया है भगवान गणेश की प्रतिमा, काफ़ी लाजवाब लग रहा है। और यहाँ पर देख सकते हो लाइट का जो डेकोरेशन है वो भी बहुत सुंदर है। और यहाँ पर देख सकते हो इस तरफ यहाँ पर विघ्नहर्ता परिवार गणेश उत्सव समिति का बहुत सुंदर झांकी भी निकाला गया। ये देख सकते हो यार बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ हैं और ब्रह्मा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, और एक तरफ भगवान विष्णु भी है और बीच में जो है हनुमान जी हैं। यहाँ पर देख सकते हो बहुत सुंदर झांकी यहाँ पर निकाला गया है भव्य तरीके से। राम जी भी हैं यहाँ पर, हनुमान जी भी हैं और नरसेना भी है। ये देख सकते हो यार बहुत सुंदर। और इस तरफ देख सकते हो यहाँ पर बिरगांव का सबसे फेमस झांकी निकलने वाला ये है आपका आदर्श युवा गणेश उत्सव समिति की राय बिरगांव का बहुत सुंदर यहाँ पर सबसे भव्य झांकी यहाँ पर ये है निकालने वाला है। देख सकते हो ये आप काफ़ी अद्भुत झांकी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर गणपति जी का देख सकते हो यहाँ पर मूर्ति भी है, बहुत सुंदर लग रहा है। और क्या देख सकते हो इसका जो मूर्ति है बहुत सुंदर है इस बार का। तो देख सकते हो क्या झांकी लग रहा है यहाँ पर, भगवान विष्णु का छोटा सा यहाँ पर मूर्ति है, बहुत सुंदर लग रहा है, यूनिक एकदम लाइट का जो डेकोरेशन है। और ये है दोस्तों आदर्श युवा गणेश उत्सव समिति का बहुत ही शानदार झांकी देख सकते हो। राक्षस का जो आँख है वो बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहा है, भयानक तरीके वाला यहाँ पर झांकी है जो देखने लायक है यहाँ पर ज़बरदस्त।
छत्तीसगढ़ में यहाँ पर डीजे धुमाल बैन होने के बाद देख सकते हो यहाँ पर बैंड बाजा में बहुत सुंदर यहाँ पर भव्य रूप से झांकी निकाला गया है। और यहाँ पर श्रद्धालुओं का देख सकते हो सबको क्रेज को बहुत सुंदर यहाँ पर देखने को मिला, चारों तरफ यहाँ पर जबरदस्त भीड़ है और उन लोग का झांकी के प्रति काफ़ी इंटरेस्टेड रहता है। यहाँ पर बिरगांव में झांकी हर साल निकलता था धूमधाम से, इस बार भी यहाँ पर निकला हुआ है बहुत सुंदर यहाँ पर बैंड बाजा के साथ। तो देख सकते हो भाई क्या लग रहा है ये वाला झांकी। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये गणपति बप्पा है यहाँ पर बिरगांव का सार्वजनिक गणेश उत्सव समिति का बहुत ही सुंदर और यूनिक मूर्ति लग रहा है। देख सकते हो ये भी इस बार झांकी में शामिल हुए हैं और इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हो यहाँ पर जो है बैंड बाजे के साथ निकला गया है। और दोस्तों लाइट का जो है कम डेकोरेशन देखने को मिल रहा है क्योंकि डीजे में ही ज़्यादा लाइट देखने को मिलता है, डीजे धुमाल में, और यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत लाइट देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हो पूरा बैंड बाजा के साथ सब आ रहे हैं झांकी में और यहाँ पर सभी मगन हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे पुरस्कार रखे हुए हैं और सभी समितियों को यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो पुरस्कार के रूप में सबको दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो बहुत सुंदर रथ के साथ झांकी निकला हुआ है यहाँ पर पूरा, और यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पर जो बच्चों लोग को यहाँ पर भगवान सीताराम हनुमान बनाए हुए हैं जो बहुत सुंदर लग रहे हैं और खुश लग रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं झांकी है जो आपका आजाद चौक है जो काफ़ी सुंदर दिखाई है यहाँ पर रथ के साथ। देख सकते हो छोटे छोटे राम लक्ष्मण सीता, क्या बने हो आप लोग, सामने देखो सामने, और राम कहाँ, राम कौन है राम, और ये हनुमान बना है। तो ये है आपका आजाद चौक का यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर आजाद चौक झांकी में देख सकते हो छोटे छोटे क्यूट बच्चे लोग को राम सीता हनुमान बनाए हुए हैं और इस प्रकार यहाँ पर देखने को मिल रहा है झांकी में। तो बहुत सुंदर यहाँ पर रथ को सजाया गया है देख सकते हो आप। ये मूर्ति है आपका आजाद चौक का, इस बार का जो नेक्स्ट लेवल वाला यहाँ पर गणपति बप्पा का देख सकते हो मूर्ति बना हुआ है हनुमान जी के साथ और गणपति जी यहाँ पर विराजमान है। ये बहुत सुंदर लग रहा है यार झांकी, ये वाला मूर्ति देख सकते हो यार क्या लग रहा है। और ये है आपका नवोदित गणेश उत्सव समिति बिरगांव का, इस बार यहाँ पर पहली बार बैठाए थे और पहले ही बार में यहाँ पर झांकी निकाले हुए हैं। बहुत ही यूनिक गणपति जी का बप्पा का मूर्ति है और डेकोरेशन जो है लाजवाब दिखाई दे रहा है, लोगों को सबको अपने और आकर्षित कर रहा है।
दोस्तों यहाँ पास जितने भी झांकी निकले हो यहाँ पास बैंड बाजा और यहाँ पास केसियो में ही यहाँ पास बजा रहे हैं, और जो धोनी का जो डेसिबल है वो 55 तक है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ये देख सकते हो भाई, इस प्रकार का यहाँ पास झांकी देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हो यार, ये वाला जो है यहाँ पास कैलाश नगर का, यहाँ पास ये बहुत सुंदर गणपति जी इस बार बैठे थे। यहाँ का जो गणेश जी का मूर्ति है काफ़ी सुंदर यूनिक है, यहाँ पास लाइट का जो इफेक्ट है वो बहुत ही आकर्षण दिखाई दे रहा है। यहाँ पास देख सकते हैं कुछ इस प्रकार बैंड बाजे के साथ सभी समितियों ने यहाँ पास काफ़ी सुंदर और भव्य रूप से यहाँ पास झांकी निकाला हुआ था। लेकिन दोस्तों डीजे और धुमाल का आनंद अलग आता है और बैंड का अलग रहता है। तो यहाँ पास देख सकते हैं साउंड यूनियन ने कुछ इस प्रकार गणपति जी का मूर्ति में यहाँ पास पोस्टर लगाकर निकाला हुआ था। तो ये बहुत सुंदर देखने लायक था। लेकिन दोस्तों यहाँ पास सभी लोगों को यहाँ पास झटका भी लगा, जो इस साल यहाँ पास जो देखने लायक झांकी था वो उस टाइप का नहीं देख पाए, तो यहाँ पर ये देख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जो बताएं, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, नए जगह नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।